कश्मीर मुंह में हलक में हाथ डाल के निकाल लिया है मोदी जी। 25% हिंदू सड़ा हुआ दिमाग में से जातिवाद निकाल के, सड़ा हुआ जातिवाद दिमाग में से निकाल के सिर्फ धर्म के लिए वोट कर रहा है, तो राम मंदिर बन गया रे। जब तक के ये सड़ा हुआ जातिवाद दूर नहीं होता है तब तक के हिंदू राष्ट्र बनना संभव नहीं है। अगर 100% हिंदू जाग गया तो हम अयोध्या मथुरा काशी सब ले लेंगे। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी जब से हुई है सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल होते रहते हैं और समय समय पर आप उनको न्यूज चैनल पर देखते रहते होंगे। ओ न्यूज हिंदी की टीम लगातार आपको कालीचरण महाराज से जुड़ी हुई हर अपडेट पहुंचाती रहती है, चाहे वो विरोध प्रदर्शन हो और चाहे नई जो उनकी अपडेट्स है वो आती रहती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक उनका वीडियो जो कि 10 महीने पुराना है वो वायरल हो रहा है और उसमें पीएम मोदी को लेकर वो जो कह रहे हैं वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आइए आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं। एक लोहार था एक गांव में, वो ऐसी तलवार बनाता था कि कोई भी ढाल दुनिया की वो तलवार के सामने लाओ और लड़ा दो तो एक झटके में ढाल टूट जाती थी। ऐसी तलवार वो लोहार बनाता था। परीक्षाएं की गई, दुनिया के सब प्रकार की ढालें लाई गई, वो तलवार के सामने दुनिया की कोई ढाल नहीं दिख पाई। रुक रुक। और वही लोहार एक ऐसी ढाल बनाता था कि दुनिया की किसी भी प्रकार की तलवार वो ढाल के साथ में लड़ा दो, तलवार टूट जाएगी लेकिन ढाल नहीं टूटेगी। एक ही लोहार तलवार भी बनाता था, ढाल भी बनाता था, लेकिन वो लोहार की तलवार का दुनिया की कोई ढाल मुकाबला नहीं कर सकती थी और वो लोहार की ढाल का दुनिया की कोई तलवार मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो एक बुद्धिमान युवक वहां पर गया कि बोले भाई साहब, आपने आपकी ढाल और आपकी तलवार लड़ाई क्या कभी? आपकी ढाल और आपकी तलवार कभी लड़ाई? तो बोले नहीं। तो बोले तो योद्धाओं को बुलाओ, दोनों को अपनी ढाल और तलवार थमाओ और भिड़ाओ। लोहार ने भिड़ा दिया, उसकी ढाल और उसकी तलवार भिड़ गई। क्या हो गया होगा, क्या हो गया होगा, यही स्थिति हिंदुओं की हुई है। सड़े हुए जातिवाद में मरे जा रहे हैं हिंदू। जब तक के ये सड़ा हुआ जातिवाद दूर नहीं होता है तब तक के हिंदू राष्ट्र बनना संभव नहीं है। आपको धर्म बचाना चाहिए, अपनी अपनी जाति नहीं बचानी चाहिए। जातिवाद तोड़ो और हिंदुत्व जोड़ो। जातिवाद तोड़िए, आप क्या बोलोगे, हिंदुत्व जोड़िए। जातिवाद तोड़िए। अब दूसरा एक सड़ा हुआ और एक वाद आ गया है। पहले जातिवाद सड़ा हुआ था कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं भलाना ढिकलाना, ये सड़ा हुआ जातिवाद सर पे बैठ के बोल रहा है। टुकड़े टुकड़े कर दिए हिंदुओं के, हाथ से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान गया, हाथ से तिब्बत गया, नेपाल गया, भूटान गया, म्यांमार गया, हाथ से इंडोनेशिया, कंबोडिया गया, अपने हाथ से श्रीलंका गई, केरल जाने की कगार पे है, पश्चिम बंगाल जाने की कगार में है, कश्मीर चला गया था अगर मोदी जी नहीं होते थे। कश्मीर मुंह में हलक में हाथ डाल के निकाल लिया है मोदी जी। जय श्री राम। 25% हिंदू सड़ा हुआ जातिवाद तोड़ के वोट करने लगा है।
कितने प्रतिशत हिंदू? सिर्फ 25% हिंदू सड़ा हुआ दिमाग में से जातिवाद निकाल के, सड़ा हुआ जातिवाद दिमाग में से निकाल के सिर्फ धर्म के लिए वोट कर रहा है तो राम मंदिर बन गया रे। 370 हट गए, सिर्फ 25% की ताकत है। अगर 100% हिंदू जाग गया तो हम अयोध्या मथुरा काशी सब ले लेंगे। बस हमें वन पॉइंट प्रोग्राम, भाषावाद तोड़िए, जातीयवाद तोड़िए और हिंदुत्व जोड़िए। बस एक ही पॉइंट पे प्रोग्राम करिए आप, और जो हिंदू हित की बात करेगा, अरे भूल गए हो, अरे भूल गए, जो हिंदू हित की बात करेगा। अब ये राजनेता में के नेता नगरी के ही लोग बोल रहे हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो आपने देखा कि कालीचरण महाराज ने किस तरह से पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। इस तरह की तमाम अपडेट देखने के लिए आप ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।